सोलन के माल रोड पर शिमला लोकसभा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष संजय सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में रोष रैली का आयोजन किया गया। रैली के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये रोष रैली प्रदेश में बढ़ रही महंगाई और बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के चलते आयोजित की गई। जब ये रैली पुराने उपायुक्त कार्यालय के समीप पहुंची तो यूथ कांग्रेस ने पुलिस की उपस्थिति में प्रदेश सरकार का पुतला जलाया। इस दौरान पुलिस और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प और जमकर धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान पुलिस ने यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों से जलता हुआ पुतला छीनने का प्रयास किया और छीना झपटी में जलता हुआ पुतला अध्यक्ष संजय सिंह ठाकुर पर गिर गया। लेकिन गरिमत ये रही कि इस घटना में ठाकुर के बाल ही जले और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। वहीं शिमला लोकसभा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष संजय सिंह ठाकुर ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि आज उनका प्रदर्शन बेहद शांतिप्रिय ढंग से चल रहा था, लेकिन पुलिस ने उसके बावजूद भी उनके प्रदर्शन को बलपूर्वक कुचलने की कोशिश की और उनके द्वारा जलाए गए पुतले को उन पर ही फेंक दिया गया, जिसकी वजह से उनके बाल पूरी तरह से झुलस गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इस धक्का मुक्की में उनके कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश सरकार का ऐसा ही रवैया रहा तो वह लामबंद होकर उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की होगी। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि वह मात्र द्वेष भावना से काम कर रही है और कर्मचारी को प्रताड़ित किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं पर झूठे केस बनाए जा रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश का विकास पीछे छूटता जा रहा है। आज सोलन में प्रदर्शन हुआ, पूरे प्रदेश सरकार के इशारे पर, उनके आदेशों पर जो है पुलिस ने यहाँ पे इस आंदोलन को कुचलने की जो है पूरी कोशिश की। आपने देखा है कि पूरे हम लोगों के ऊपर उसे उन्होंने पूरे बाल भी जल चुके हैं, हमारे कई अधिकारी साथियों को जो है चोटें भी आई हैं। ये बहुत ही जो बल प्रयोग किया जा रहा है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर जरूरत हुई तो हम जिला प्रशासन को और इनको भी घेरने से हम जो है पीछे नहीं हटेंगे। तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस के अधिकारी आए हैं, 15-20 अधिकारी वो लोग आए, उन्होंने डंडों से जो है पुतले को उछाला है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने, जबकि इसकी सूचना भी पहले जिला प्रशासन को हमने दी है और पुलिस को हमने दी है, उसके बावजूद भी इस तरह से अगर ये होता रहेगा तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम जयराम सरकार जी को, हम उनको चेतावनी देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम उनसे भी आग्रह करते हैं कि कृपा करके आप प्रदेश में जो दमनकारी नीतियां हैं, युवा विरोधी नीतियां हैं, महिला विरोधी जो नीतियां हैं और जो प्रदेश में कर्मचारियों को प्रताड़ित किया, इन्हें आप कृपया करके बंद करें और विकास में अपना ध्यान दें और विकास में सबको भागीदार बनाएं।